मेहता का उल्टा चश्मा। पांडे जी, कुछ पता चला? पता चला? ये पता चला क्या होता? केस कौन हैंडल कर रहा है? इंस्पेक्टर चालू पांडे। हम मुजरिम को आकाश और पाताल से भी पकड़कर ये लाते हैं। हाँ सर, वो तो है। आई एम वेरी लकी कि ये केस आप हैंडल कर रहे हैं। लेकिन कुछ पता चला? ऑफ कोर्स पता चल गया। कौन है वो बदमाश इंसान? बताइए प्लीज, कौन है? कौन है वो? कौन है? कौन है वो? घर का भेदी लंका ढाए, अर्थात जो भी गुनहगार है वो आप में से ही कोई एक है। मीनिंग द कल्प्रिट इज वन अमंगस्ट यू, म्हणजे गुन्हेगार तुमच्यापैकी कोणीतरी एक आहे। कळलं ते, એટલે તમારા માંથી જ કોઈ એક ગુનેગાર છે। છે, છે લોગ હૈ। ઓ પાજી, છે નહીં, કોઈ એક કોઈ હૈગા। ઓહો પંજાબી, પર વો કોઈ એક હૈ કોણ? અંદાજા લગાઈએ, સારા કામ પુલિસ હી કરેગી ક્યા? આપ બતાઈએ ના પ્લીઝ પાંડે સાહેબ, કોણ હૈ? કોણ હૈ ભાઈ, બતાઈએ ના। ઓકે चलो, आप लोगों को एक हिंट देता हूं। आप लोगों को जो मैसेज किए गए हैं सारी निजी बातें हैं। और ऐसी निजी बातें किसी अपने को ही पता होती है ना। तो आप लोगों को जिस किसी ने भी मैसेज किया है वो आपका कोई अपना ही है। ओहो, अच्छा 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 अच्छा, कोई अपना ही है, फिर तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, क्योंकि अपने तो अपने ही होते हैं। कोई बाहर का हो तो टेंशन वाली बात जरूर थी। अरे फिर भी पता तो चले कि कौन अपना है जो अपना नहीं है। हाँ, मालूम चलना चाहिए। हाँ सही बात है। अरे वो जो भी है वो हम लोग आपस में बैठ कर ढूंढ लेंगे ना। उसके लिए बेचारे चालू जी पांडे जी को क्यों यहाँ रोक कर रखा है? सुबह से बेचारे पुलिस स्टेशन में काम कर कर के थक चुके होंगे, इसलिए मेरे हिसाब से मामले में पुलिस को छोड़ देना चाहिए। चालू जी, पांडे जी, मैं क्या कहता हूँ, आप मतलब आप निकलिए, आइए निकलिए। क्या निकलिए? मैं यहाँ टाइम पास करने आता हूँ? जब तक मैं मुजरिम को पकड़ नहीं लेता मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। मैं जानता हूँ असली मुजरिम कौन है। कौन है? जेठालाल तुम? जेठालाल तुम? जेठालाल? जेठा जी आप? अरे पांडे जी, नहीं ये नहीं हो सकता। अरे कैसे नहीं हो सकता दया बहन? हमारे ट्रैकिंग रिपोर्ट के अनुसार जिस मोबाइल से मैसेज किए गए थे वो एमजी रोड स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से किए गए, और उस इलेक्ट्रॉनिक दुकान का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये साबित होता है कि ये सारे मैसेजेस गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल गड़ा ने किए हैं।
सच बता दो जेठालाल, वरना तुम तो जानते ही हो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे। नहीं, 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 ये सच है, ये सच है, ये सच है। यस। मुकु भाई, जेठा भाई। बाबूजी जी, टपू के पापा, ये आपने क्या किया? क्या किया छोड़िए दया भाभी, जेठालाल तुमने एक कू किया। जेठालाल तुमको मालूम है जब से मैसेज आया बबीता कितना टेंशन में है, उसने जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। पर जेठालाल मैं माधवी को समझाते समझाते थक गया कि मैं उससे कोई बात नहीं छुपा रहा हूँ, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। जेठा भाई आपके मैसेज की वजह से लड्डू ढूंढते ढूंढते मेरी हालत पतली हो गई, कम से कम 100 ग्राम वजन कम हो गया होगा। और तुम्हारी वजह से माय डार्लिंग रोशन ने मुझ पे शक किया कि मैं गैराज का झूठा बहाना बना के पार्टी शार्टी करने जा रहा हूँ। तुम्हारी वजह से इन सब ने अपना गुस्सा मुझ पर निकाला। लेकिन जेठालाल मेरा ये प्रश्न अभी भी अनुत्तरित है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्यों? ये पोपटलाल की वजह से हुआ यूं कि अरे ये तो वही पोपटलाल वाला फोन है। ओहो, लगता है बाघा ने वो बॉक्स में डमी फोन रख दिया और असली फोन यहाँ रह गया। अरे बेचारा पोपटलाल परेशान हो रहा होगा, उसका सिम कार्ड भी यहाँ है, अभी उसको संदेशा कैसे पहुंचाऊं कि गड़बड़ हो गई है। लेकिन एक मिनट, उसको संदेशा पहुंचाने ही क्यों है? एक फोन खरीदने में उसने मुझे 2 घंटा परेशान किया, तो सामने थोड़ा बहुत परेशान करना तो बनता है। देखिए मैं सच कह रहा हूँ, मैं आप लोगों से एक नटखट सा निर्दोष, सिर्फ निर्दोष मजाक करने गया, लेकिन मेरी कुंडली इस कदर खराब है कि मैं करने कुछ जाता हूँ और हो कुछ और ही जाता है। प्लीज, मेरा कोई ऐसा आशा ही नहीं था आप लोगों के बीच में झगड़ा कराने का या किसी को परेशान करने का, मैं तो खाली ऐसे ही बस निर्दोष मजाक करने गया। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज आप सब लोग टप्पू के पापा को माफ कर दीजिए ना, प्लीज सॉरी। कैसी बात कर रही है आप दया भाभी, छोड़िए ना, इसी बहाने पतिदेव के साथ थोड़ी सी मीठी नोकझोंक करने का मजा आया। और जेठा भाई, आपकी वजह से बहुत दिनों के बाद हंस का वर्कआउट हो गया। सही बात है। वैसे जेठा जी, थैंक्स टू यू, इस बहाने मेरा रिज्यूमे बन गया। सीवी, बायोडेटा। जेठालाल, स्वयं की शैक्षणिक जानकारी और व्यवसाय और कार्य आदि का विवरण। बायोडेटा। जेठा भाई, मेरी तरफ से भी थैंक यू, आपकी वजह से मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया कि ये मुझसे कोई भी बात नहीं छुपाते। सब भाभियों ने तो मुझे माफ कर दिया, अभी भाई लोग अब भी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। जेठा भ्रा, अपनी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में कोई भी किसी से ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। यार माफ किया। अरे वाह, थैंक यू छोटी, मैंने भी माफ कर दिया। थैंक यू भाई लोग। थैंक यू भाई। हम लोगों का गुस्सा तो सोडा वाटर की तरह एकदम से उछलता है और एकदम से बैठ भी जाता है। चलो भाई चले, चलो 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 भाई। एक मिनट रुको रुको भाई। जेठालाल मेरा मोबाइल का। अरे हाँ, ये क्या? तो लाओ भाई, जल्दी लाओ। महाराज ने कहा था सिर्फ 9 बजे तक का मुहूर्त है, अब सिर्फ 1-2 मिनट ही बचे हैं। हो हो पोपटलाल, जल्दी से मोबाइल चालू करो, मिस कॉल दे दो। मेरा मतलब है, चेक करो भाई, जेठालाल ने मोबाइल दिया है कि डमी फोन है। ए भाई, सब कुछ खत्म हो जाने के बाद तू फिर से क्यों आग भड़का रहा है भाई? नहीं, निर्दोष मजाक कर रहा हूँ, निर्दोष। का हेलो हेलो पोपटलाल, आप कौन हैं? तुम्हारे पास मेरा नंबर नहीं है? भाई मेरे पास हर अरे गरे नथु गरे का नंबर होना जरूरी है। पोपटलाल होश में आओ, मैं तूफान एक्सप्रेस का एडिटर तुम्हारा बॉस देसाई बोल रहा हूँ, धूम मचा के। अरे सॉरी सॉरी सर सॉरी। कौन है? एडिटर साहब। दरअसल मैंने आज ही नया स्मार्टफोन लिया है ना, तो अभी सारे नंबर उसमें सेव नहीं किए हैं, सॉरी सर। अरे वो सब छोड़ो, मैंने तुम्हें एक खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। खुशखबरी? क्या क्या खुशखबरी? क्या
एक मिनट जेठालाल, फोन चालू है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बोले बोले सर। मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतने अच्छे पत्रकार हो। पिछले कुछ दिनों में तुमने जो आर्टिकल लिखे हैं, और उसकी बहुत तारीफ हुई है, बहुत तारीफ हुई, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। इसीलिए मैनेजमेंट ने तुम्हें इंक्रीमेंट देने का फैसला किया है। थैंक यू सर, थैंक यू। और दूसरी खबर यह है कि कल तक रियल एस्टेट पर तुम्हें एक आर्टिकल लिखना है, बहुत अर्जेंट है। हाँ, कल तक? सर इतना जल्दी? अरे जल्दी है इसलिए तो तुम पर भरोसा कर रहा हूँ, हो जाएगा ना धूम मचा के? जरूर जरूर सर, आपने अगर मुझ पर भरोसा किया है तो जरूर हो जाएगा। हाँ तो जल्दी कर देना। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पोपट भौजी, क्या हुआ बताइए ना। सच में ये स्मार्टफोन मेरे लिए बहुत लकी है, एडिटर साहब का फोन था, मेरा इंक्रीमेंट हुआ है, मेरी पगार बढ़ गई। अरे वाह वाह, मुबारक हो पोपट लाल। हाँ जरूर जरूर, हाँ चलो चलो चलो। अरे पुलिस फिर से आ गई? गई कहाँ थी कि फिर से आ जाएगी? अरे चालू जी, पांडे जी तो यही है। सॉरी सॉरी चालू जी, पांडे जी। क्या सॉरी? क्या सॉरी? हर बार जेठालाल, हर बार तुम्हारी वजह से मुझे इधर उधर भागना पड़ता है, फिर कोल्हू की बैल की तरह घूम फिर के यही आना पड़ता है। इस समस्याओं को निपटाने के बाद जब हम इस सोसाइटी में आते हैं तो तुम लोग आपस में ही अपनी समस्या निपटा कर एक दूसरे को माफ कर देते हो, और हम सर्कस देखने आए हो ऐसे उल्लू की तरह खड़े रहते हैं। तो तुम क्या कहते हो? सॉरी? हमें इतनी भागदौड़ करनी पड़ी और तुम कहते हो सॉरी? जब भी बासुंदी के साथ मैं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाता हूँ तुम्हारी वजह से मुझे कैंसिल करना पड़ता है। आज भी बासुंदी को मैं रैम शो दिखाने ले जाने वाला था, पर तुम्हारी वजह से मेरा सारा प्रोग्राम चौपट हो गया। अब मैं बासुंदी को क्या कहूंगा? सॉरी सॉरी, मैं आपसे सॉरी कहता हूँ। चलो जी, पांडे जी मैं काम करता हूँ, कल मैं एक बढ़िया सा स्मार्टफोन गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में से आपकी तरफ से बासुंदी भाभी जी को भेज देता हूँ, भाभी जी खुश हो जाएंगे, आपको माफ कर देंगे। तुम एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर को रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो जेठालाल। नहीं नहीं, मैं आपको कहाँ दे रहा हूँ, मैं तो भाभी जी को दे रहा हूँ। तुम मेरे बासुंदी को मोबाइल नहीं दोगे जेठालाल? क्यों? हमारा क्या भरोसा, कहीं उस मोबाइल पे भी तुम मेरे नाम से निर्दोष मैसेज करने लगे तो? नहीं नहीं चालू जी, पांडे जी कभी नहीं, कभी नहीं, आज के बाद कभी नहीं, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ मैंने जो कुछ किया गलत किया, आज के बाद मैं ऐसा गलत कभी नहीं करूंगा। चालू जी, पांडे जी आपको भी तहे दिल से सॉरी, मेरी वजह से आपको फिर से तकलीफ हुई, फिर से आपको परेशान होना पड़ा। गलत फहमियां हो जाती हैं। सॉरी। आइंदा गलती से भी ऐसा मजाक किया तो तुम तो जानते ही हो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, झूठ बोलोगे? नहीं नहीं नहीं, पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे। कौन बॉयस मूव। चलो चलो, थैंक यू। चलिए भाई वापस मेन बात पे आ जाते हैं। पोपटलाल पार्टी दे रहे हो ना? अभी नहीं, वो खुशखबरी के साथ साथ एडिटर साहब का ऑर्डर आया है कि एक अर्जेंट आर्टिकल लिखना है, तो अभी लिखना पड़ेगा। भाइयों आप सब कल सुबह मेरे घर आ जाइएगा, गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा के साथ मैं अपना गर्मा गर्म आर्टिकल सुनाऊंगा, और मेरी बहनों और टप्पू सेना के लिए स्पेशल पार्टी होगी, वो इत्मीनान से दूंगा। गोकुलधाम वासी, सेविंग निवासी, वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल यांचा और आगे लिखते हैं पोपटलाल जी कि पहले तो सिर्फ परिंदे ही आसमानों से बातें करते थे, अब ऊंची ऊंची इमारतों में रहने वाले इंसान भी अपनी खिड़की खोल के बादलों को हाय हेलो कह देते हैं। इंसान ने जमीन और आसमान के बीच की दूरी को तय कर लिया,
इसलिए आज इंसान भले ही जमीन पर हो पर जमीन के दाम आसमान पर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह वाह। ऐसे में रियल एस्टेट में पैसे लगाने वाले ही समझदार माने जाएंगे और समझदार को इशारा ही काफी है भाई। क्या बात है पोपट डाल जी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लिख भाई, बहुत अच्छा। पोपो कमाल कर देता है यार, तू तो छा गया यार, छा गया। वाह, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। अब भाई आओ जेठालाल, आओ 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 भाई, आ गया आ गया, आ जा बैठ बैठ बैठ। अरे कोई बात, सॉरी सॉरी भाई। अरे मैं इधर बैठता हूं। हां वहां सेटल हो जाओ, मैं इधर बैठ जाता हूं। श्योर ना? हां, अरे अरे बिल्कुल। आओ आओ लेटा लाल। काय हो लेटा लाल, म्हणजे काय लेट आला लाल म्हणून लेटा लाल? ए भिड़े, क्या है भाई जेठालाल, मैंने खास तुम्हारे लिए जलेबी और फाफड़ा मंगाया है और तुम ही लेट आए हो। सॉरी भाई सॉरी, लाओ भाई लाओ, जरा जलेबी फाफड़ा इधर दे। क्या लाओ जेठालाल? अरे भाई आज का मुख्य काम है आर्टिकल सुनना, वरना तुम्हें क्या लगता है पोपटलाल ने हमें जलेबी फाफड़ा खिलाने के लिए बुलाया है यहाँ पे? मेहता साहब, अरे नहीं नहीं भाई पोपटलाल, मेरे कहने का मतलब है कि एक पंथ दो का जलेबी फाफड़ा भी खा लेंगे और आर्टिकल भी सुन लेंगे। हाँ भाई ठीक है, सुनो सुनो तो सुनो। पोपटलाल मत पढ़ो। क्यों? क्या है जेठालाल, मैं तो हमने आर्टिकल पढ़ लिया है और हम सब लोगों ने सुन भी लिया है, अभी तुम लेट आए हो इसलिए रिपीट नहीं कर सकते, क्यों आत्माराम? हाँ बराबर है जेठालाल, तुम लेट आए हो तो तुम्हारी सजा यही है कि तुम तूफान एक्सप्रेस खरीदो और बाद में पढ़ो। तूफान एक्सप्रेस खरीदना सजा है? नहीं नहीं, वो लेट आया ना इसलिए कोई ना कोई तो सजा मिलनी चाहिए ना। अरे भाई तो क्या बार बार कब से लेट आया कर रहा है, तुझे पता है तेरी वजह से तेरा काम करने में मैं लेट हो गया। मेरा काम? हाँ, अचार बावड़ा की डिलीवरी करने गए थे। अरे भाई अचार पापड़ की डिलीवरी नहीं, आपके लिए मैं ऐसी जबरदस्त चीज लेके आया हूँ जिसको देखते ही आप खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। अच्छा एलसीडी लाए हो? छे छे एलसीडी नहीं, एसएमसी। एसएमसी? और जेड़ा ब्रा ये कौन सा नवा ब्रांड टीवी का बाजार में उतरा भाई? अरे सोटी का टीवी नहीं है, एसएमसी मतलब सोसाइटी मेंटेनेंस चेक। लीजिए। बाप रे बाप, क्या बात है जेठालाल, वाह 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 वाह, सोसाइटी का मेंटेनेंस चेक एडवांस में है ना, साइन है ना? हाँ वही देख रहा था। हाँ मुझे मालूम था। वाह वाह वाह, क्या बात है। लेकिन जेठला सूरज कहाँ से उगा भाई? सूरज भाई वहीं से उगा जहाँ से रोज उगता है। भाई ये तो कमाल हो गया भाई, लेकिन ये कमाल हुआ कैसे आज? वो क्या है भाई, हर बार मैं थोड़ा भूल जाता हूँ तो तेरी चिक चिक शुरू हो जाती है, तो आज याद आया तो मैंने सोचा भाई दे ही देता हूँ एडवांस में, बार बार तेरी चिक चिक कौन सुनेगा। अरे चिक चिक तो करूंगा ही ना जेठालाल, एक तो वैसे भी अपने सोसाइटी का मेंटेनेंस बहुत कम है, वो भी देने में तुम टाइम लगाओगे तो चिक चिक तो होगी ही मेरी। अरे भाई अभी चेक मिल गया फिर भी चिक चिक कर रहे है तू। वैसे जेठालाल ये आर्टिकल लिखने के पीछे मेरा जो हेतु है वो ये है कि इन दिनों बढ़ते हुए प्रॉपर्टी के दामों के साथ साथ मेंटेनेंस क्यों बढ़ रहा है। वाह पोपटलाल, बहुत बढ़िया मुद्दा उठाया तुमने। तब तो भाई करोड़ों रुपए का फ्लैट खरीदो, ऊपर से हर महीने 25-50 हजार का मेंटेनेंस भरो, ये कहाँ का न्याय है? तो सुनिए आज पोपटलाल सॉरी, लेकिन तुम्हारे आर्टिकल सुनने का असली मजा तभी आएगा जब साथ में जलेबी फाफड़ा भी चल रहा हो, तो थोड़ा हाँ लीजिए। सॉरी आप सब बातों में लगे थे तो मैं सब खा गया। सॉरी जेठालाल, वो फाफड़ा जलेबी बराबर खाना तो पड़ेगा। एक काम करते हम लोग सब अभी नुक्कड़ पे फरसान वाले की दुकान है वहाँ जाते हैं, गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा खाते हैं, गर्मा गर्म मसाला चाय पीते हैं। जेठालाल मेरा आर्टिकल? वो तो जब भी हम लोग जलेबी फाफड़ा खा रहे होंगे तभी साइड में खड़े रहकर तुम पढ़ ही रहे होंगे ना, वो तो सब साथ साथ हो जाएगा ना, उसका कोई अलग टाइम थोड़ी है, क्या बोलते हो आतिफ भाई? हाँ सही बात है सही बात है, मजा आएगा ज्यादा। दोस्तों एक पुरानी कहावत है, सांच को आंच नहीं,
सच्चाई एक ना एक दिन सामने आ ही जाती है, जिस तरह से जेठालाल की सच्चाई सोसाइटी के निवासियों के सामने आ गई। दोस्तों शरारत करना, मस्ती मजाक करना कभी कभार ठीक है, लेकिन वो शरारत या मस्ती ऐसी ना हो कि किसी के घर या रिश्तों में तनाव हो जाए। एक बात गांठ बांध लीजिए, शरारत कीजिए कभी कभार, उससे इनकार नहीं है, लेकिन वो शरारत निर्दोष होनी चाहिए। मजाक ऐसा होना चाहिए जो किसी को तकलीफ ना पहुंचाए। किसी को तकलीफ पहुंचाने में क्या मजा। जिंदगी के अंदर दौर ऐसे होने चाहिए जहां सिर्फ हंसी हो, ठहाके हो, मस्ती हो, लेकिन निर्दोष। और मस्ती, ठहाके और हंसी के लिए आपके लिए एक बड़ा ही निर्दोष कार्यक्रम है जो आप मेरे साथ देखते हैं। देखते रहिए, हंसते रहिए, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।